Hello everyone, this is Tanuja Gupta and today we will talk about molecular diagnosis. See, क्या होता है इस वीडियो में, हम क्या पढ़ने वाले हैं? Early diagnose, किसी भी disease का early detection करने के लिए कौन कौन सी techniques हैं जिसके through हम उसको early detect कर सकते हैं. तो इस वीडियो में हम उन सब techniques के बारे में बात करेंगे. और ऐसा क्यों है कि conventional method जो है वो इसकी comparison में it's less important as compared to molecular diagnosis, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. So let's take them one by one. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो conventional method होते हैं, जो पुराने method की मतलब उसमें हम क्या करते हैं, blood sample को लेते हैं और उसमें डिटेक्ट करते हैं कि इसमें एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं, या फिर एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं. बिकॉज क्या होगा, कोई भी एंटीजन एंटर करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, राइट? तो हम उस एंटीबॉडी को भी डिटेक्ट करके ये बता सकते हैं कि हमारे अंदर इस इन्फेक्शन ये वाला एंटीजन प्रेजेंट है. बट क्या होता है, शुरू में जब कोई भी एंटीजन एंटर करता है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो शुरू में उस एंटीजन की जो अमाउंट होती है वो बहुत ही लेस होती है. जैसे ही वो बॉडी के अंदर एंटर करता है, धीरे 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 वो अपने नंबर को इंक्रीज करता है, ठीक है. ऐसे ही एंटीबॉडीज़ भी, इनिशियली आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं मिलेगी उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, तो एंटीबॉडी का अमाउंट भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है. यानी कि अराउंड 3 to 5 days के बाद जाकर क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी हमारे ब्लड में हमें एक काफ़ी अमाउंट आ जाता है सो दैट कि ब्लड के थ्रू वो डिटेक्ट हो सके. बट अगर हम 3 to 5 days वेट करेंगे तो क्या होगा, तब तक डिजीज़ जो है वो अपना एक ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच गया और उस वक्त तक क्या होगा, बॉडी को बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है या उस डिजीज़ से बॉडी को बहुत नुकसान हो चुका है. अब ये क्या हुआ, ये तो प्रॉब्लमेटिक हो गया, क्योंकि उसके बाद तो ट्रीट करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा. इसलिए अर्ली डिटेक्शन हमें ज़रूरी है, ठीक है. बट अर्ली डिटेक्शन कन्वेंशनल मेथड ब्लड टेस्ट के थ्रू इट्स नॉट पॉसिबल, फाइन. तो अब अर्ली डिटेक्ट करने के लिए क्या आया, दैट कम्स दी मॉलिकुलर डायग्नोसिस, जिसमें हम मॉलिकुलर लेवल पे अगर उसको डायग्नोस करेंगे तो हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. अब मॉलिकुलर डायग्नोसिस में 3 main techniques हैं जो इसके अंदर आती हैं अर्ली डिटेक्शन में. द फर्स्ट वन इज़ वॉट, मॉलिकुलर प्रोब, ठीक है. सेकेंड वन इज़ PCR एंड द थर्ड वन इज़ ELISA. ये तीनों ही टेक्निक डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है. डिपेंड करता है कि कौन सी डिजीज़ है, उसी के अकॉर्डिंग ही दीज आर टेकन और चूज कि कौन सी टेक्निक से हम डायग्नोस करें, ओके. चलिए हम वन बाय वन इंडिविजुअली सबको डिटेल में देखते हैं और फिर समझते हैं कि ये कैसे अर्ली डायग्नोस करता है. मॉलिकुलर प्रोब, ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि प्रोब क्या होता है, यहाँ पे एक कोई भी DNA सेगमेंट हो सकता है, इट कैन बी एनी RNA सेगमेंट, ठीक है. कोई भी DNA RNA सेगमेंट हो सकता है प्रोब. यहाँ पे प्रोब कोई एंटीजन भी हो सकता है और एंटीबॉडी भी हो सकता है. कोई भी चीज़ को एज अ प्रोब, प्रोब का मतलब है जो क्या करेगा, किसी भी पर्टिकुलर जिस चीज़ को भी हमें डिटेक्ट करना है उसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है. मतलब ये सबसे पहले हाईलाइट होएगा और हम उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, दैट इज़ यूज दी प्रोब. अब ये क्या है, जेनेटिक लेवल पे कर रहे हैं, जीन लेवल पे कर रहे हैं, DNA लेवल पे कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड दी मॉलिकुलर प्रोब. करते क्या है, इसमें क्या लिया, जो भी इंडिविजुअल जैसे कि सपोज कोई पर्टिकुलर बॉडी के अंदर किसी एंटीजन का इन्फेक्शन हुआ है, अब मुझे ये डिटेक्ट करना है कि एंटीजन इस बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि इनिशियली तो इसका अमाउंट कम है. अब क्या करेंगे, इस एंटीजन का जो भी सीक्वेंस है उस सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, उस सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री हम क्या लेते हैं, DNA या RNA सेगमेंट लेंगे. DNA RNA सेगमेंट लेते हैं और उसको क्या करते हैं, किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप से उसको क्या करा देते हैं, लेबल्ड करा देते हैं, ठीक है. यानी कि ये कोई सीक्वेंस है और यहाँ पे ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप से ये बाउंड है, ठीक है. चलिए प्रोसेस देखते हैं कि इनिशियली होता क्या है. सबसे पहले तो हमने यहाँ से ये एंटीजन है मतलब सेल ले लिया और यहाँ से क्या किया, DNA को आइसोलेट किया, ठीक है. DNA आइसोलेट किया और आइसोलेट करने के बाद अब उसको क्या किया, उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया. क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके थ्रू क्या होगा, ये जो DNA है या फिर RNA दोनों ले सकते हैं, ये क्या होंगे, आइसोलेट हो जाएंगे, ठीक है. आइसोलेट हो गया इस पूरे जेल में, ये DNA किसका है, इस एंटीजन का, ठीक है, ओके.
इसको हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू आइसोलेट करा दिया। आइसोलेट करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको हम किस पे, नाइट्रोसेलुलोज, क्या है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करा देते हैं। ये तो क्या है, जेल में है फिलहाल। अब उसको हमने क्या, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करा दिया, एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर इनटू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ब्लोटिंग, इज कॉल्ड द ब्लोटिंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लॉटिंग। नाउ डिपेंड करता है कि यहाँ पे हम किसका आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, डीएनए का कर रहे हैं, आरएनए का कर रहे हैं, या एंटीजन का, या एंटीबॉडी का, किसका डिटेक्शन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे ये ब्लॉटिंग क्या है, ये तीन तरह की होती है। इसको मैं पहले बता देती हूँ। फर्स्ट वन इज सदन, सदन ब्लोटिंग। क्या होता है ये सदन ब्लोटिंग, इसमें हम क्या करते हैं, डीएनए को आइसोलेट करते हैं, डीएनए को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, हम डीएनए को डिटेक्ट करते हैं विथ द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और आरएनए रेडियो लेबल्ड, डीएनए आरएनए रेडियो लेबल्ड। पर क्या डिटेक्ट हो रहा है, डीएनए डिटेक्ट हो रहा है। दूसरा आता है, दैट इज नदन ब्लॉटिंग। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आरएनए डिटेक्ट हो रहा है। ध्यान रखना, बस छोटा छोटा सा ही डिफरेंस है इसमें, बहुत ईजी है, ध्यान से समझना। सदन में डीएनए डिटेक्ट हो रहा है, नदन में आरएनए डिटेक्ट हो रहा है, और तीसरा होता है, दैट इज द वेस्टर्न, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, और इसमें क्या डिटेक्ट हो रहा है, इसमें बेसिकली क्या, प्रोटीन डिटेक्ट हो रहा है। प्रोटीन इसमें एंटीजन या एंटीबॉडी कुछ भी हम बोल सकते हैं, दोनों ही प्रोटीन होते हैं, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या डिटेक्ट हो रहा है, प्रोटीन डिटेक्ट हो रहा है, अंडरस्टूड। ये तो तीन तरह की ब्लोटिंग है, डिपेंड कर रहा है अब हम क्या डिटेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसमें से कोई भी टेक्निक ले लेते हैं। ठीक है, हमने नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे यहाँ ट्रांसफर करा दिया। ट्रांसफर कराने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर क्या करेंगे, बॉम्बार्डिंग करेंगे, किसकी हम करेंगे, इसकी, DNA oblique RNA segment, which is what radio labeled, understood। मैंने DNA isolate करा दिया, gel आ गया, एक gel है, जैसे कि मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये हुआ यहाँ पे जो infection है, antigen है, उसका gel का DNA यहाँ पे separate हो गया। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर क्या करा दिया, इसका ही, इस सीक्वेंस का ही कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आरएनए सेगमेंट, बट वो क्या है, रेडियो लेबल्ड यहाँ पे डाल दिया। अब इसके ये क्या होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे ये बाउंड हो जाएगा। बाउंड होने के बाद, बिकॉज ये क्या है, रेडियो लेबल्ड है, तो हम इसके बाद उसको क्या कराते हैं, ठीक है, ये इस पर बाउंड होता है, और उसके बाद हम इसको कराते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी के बाद हमें क्या होंगे, ये वाले सारे बैंड क्या होंगे, बिकॉज ऑफ रेडियो लेबलिंग, ये शाइन करेंगे और मुझे यहाँ पे बैंड दिखाई देंगे। अब आप सोचेंगे कि इससे डिटेक्ट कैसे हो रहा है, सी डिटेक्ट क्या हो रहा है, जब भी कोई फंक्शन यहाँ पे आता है, इन्फेक्शन होता है, कोई ना कोई म्यूटेशन क्रिएट होता है। अगर उस जीन में क्या होगा, म्यूटेशन प्रेजेंट होगा, तो ऑब्वियसली उसकी जो जीन सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, जीन सीक्वेंस चेंज होने के वजह से ये क्या होगा, ये वाला जो सेगमेंट है इस पे बाइंड नहीं कर पाएगा। सपोज यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गई, तो ये बाइंड नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये हमें ऑटो रेडियोग्राफी में डिटेक्ट नहीं होगा, और उसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि इसमें इन्फेक्शन है। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन डिटेक्ट द इन्फेक्शन, और एट मॉलिकुलर लेवल वी कैन डिटेक्ट, अंडरस्टूड। दिस इज द फर्स्ट वन, मॉलिकुलर प्रोब। चलिए अभी सेकेंड लेते हैं, दैट इज द PCR। ओके, तो अब हमने देखा मॉलिकुलर प्रोब, उसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि उसके थ्रू हम डिफेक्टिव जीन के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिफेक्टिव जीन है तो म्यूटेशन क्रिएट होगा, और वहाँ पर क्या होगी, बाइंडिंग नहीं होगी प्रोब की, तो वहाँ पर वो बैंड हमें डिटेक्ट नहीं होगा। इसके थ्रू मैं एंटीजन एंटीबॉडी जो है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ बाइंड होएगा, उसके थ्रू भी हम वहाँ पर क्या होगी, ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू एल्यूमिनेसेंस वहाँ पर शो होगा और एल्यूमिनेट करेगा, और उसकी वजह से हमें वो डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं PCR, विच इज द फुल फॉर्म, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है,
इसमें क्या करते हैं, जनरली ये किसके डिटेक्शन में यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट दी HIV इन केस ऑफ एड्स एज वेल एज कैंसर. कैंसर में क्या करते हैं, जो भी कैंसर में जीन है जिनमें म्यूटेशन क्रिएट हो गया उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैंसर, या फिर कोई जेनेटिक लेवल की डिजीज़ है, ठीक है, कोई जेनेटिक डिजीज़ है, इन तीनों के में ही ये वाला PCR यूज़ किया जाता है. PCR किस लिए यूज़ किया जाता है, अर्ली डायग्नोस में, जब जब जो इन्फेक्शन कॉज हो रहा है या फिर DNA है या जो पैथोजन है उसका अमाउंट बहुत ही लेस है. क्योंकि PCR में एक्चुअली कर क्या रहे हैं, PCR के थ्रू हम इसके अमाउंट को क्या करा देते हैं, इंक्रीज़ करा देते हैं, नंबर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं ताकि वो बहुत अमाउंट में हमारे पास हो और हम उसके थ्रू फिर टेस्टिंग कर पाएँ, ठीक है. PCR में मैं बहुत शॉर्ट में इसका आपको स्टेप बताऊंगी. द फर्स्ट वन इज़ वॉट यहाँ पे करते हैं, दैट इज़ दी डीनेचुरेशन, ठीक है. इसमें DNA स्ट्रैंड को अलग किया जाता है. देन एनीलिंग, इसमें क्या किया जाता है, प्राइमर उसके साथ अटैच किया जाता है ताकि उसका आगे इलोंगेशन हो और DNA स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो. एंड द लास्ट एक्सटेंशन, ठीक है. तो इसके थ्रू हमने बहुत सारा क्लोन बना लिया DNA का और उसको बाद में हम डिटेक्ट करते हैं अलग अलग तरीके से. बट हमें मेन पर्पज़ हमारा कंप्लीट क्या हो रहा है कि हम उसको लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब उसको हम किसी भी टेक्निक के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, ओके. अब हम थर्ड टेक्निक लेते हैं विच इज़ कॉल्ड ELISA. उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. लेट्स हैव अ लुक ऑफ ELISA. सबसे पहले तो ELISA का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज़ दी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट assay, ठीक है. मतलब कि इसमें किसी एंजाइम सबस्ट्रेट के थ्रू हम उसको डायग्नोस करते हैं. मेनली ये किसके लिए डायग्नोस किया जाता है, फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए डायग्नोस. यहाँ पर क्या होता है, जो HCG हार्मोन है यूरिन में उसका डिटेक्ट करते हैं. इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट HIV इन केस ऑफ एड्स. It is also used for sexually transmitted diseases. Next, it also used for hepatitis. ठीक है, तो ये सारी तो diseases इसमें diagnose होती है. अब इसमें diagnose कैसे करते हैं वो देखते हैं. सबसे पहले तो ELISA का principle क्या होता है, ये किस principle पे काम करता है. ये काम करता है antigen antibody interaction. ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी का अगर इंटरेक्शन होगा तो उससे जो भी रिजल्ट निकलेगा उसके बेसिस पे हम डायग्नोस करते हैं, ठीक है. ये तो इसका प्रिंसिपल हुआ. अब इसमें करते क्या है, इसमें सबसे पहले तो एंजाइम है जो यूज़ किया जाता है, दैट इज दी परऑक्सीडेज, ठीक है, या फिर इसके अलावा दूसरा एंजाइम यूज़ किया जाता है, दैट इज दी एल्किलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है. और इस एंजाइम के अगेंस्ट एक सबस्ट्रेट यूज़ किया जाता है जो कैसा होता है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट या क्रोमोजन, ठीक है. यानी कि ये क्या करता है, कलर प्रोड्यूस करता है. एंड यहाँ पे सबस्ट्रेट या तो होता है 5-अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, या फिर दूसरा सबस्ट्रेट होता है, दैट इज़ दी ऑर्थोफिनाइलिन डायमीन, ठीक है. तो ये सबस्ट्रेट यूज़ किया जाता है और ये एंजाइम, ये आपको नॉलेज में होना चाहिए. चलिए अब हम देखते हैं ELISA को परफॉर्म कैसे करते हैं. ELISA 3 टाइप का होता है, 1 इज़ डायरेक्ट, अनदर इज़ इनडायरेक्ट, एंड द 3rd one इज़ सैंडविच मॉडल. मैं तीनों को एक साथ ही आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, ओके. तो तीनों में क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सैंडविच, तीनों टाइप में ही एक प्लेट होती है जिसको हम बोलते हैं ELISA प्लेट. क्या बोलते हैं, ELISA प्लेट, ठीक है. इस ELISA प्लेट पे क्या किया जाता है, सीरम डाला जाता है. सीरम यानी कि मेरा एक तरह से क्या हुआ, सैंपल, सैंपल इसमें पुट किया जाता है, ठीक है, ओके, फाइन. अब ये डिपेंड करता है कि उस सैंपल में मैं क्या डिटेक्ट कर रही हूँ, एंटीजन डिटेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो या फिर एंटीबॉडी. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में तो एंटीजन डिटेक्ट किया जाता है और सैंडविच में एक तरह से क्या किया जाता है, एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है. चलिए अब हम देखते हैं. अब मैं इंडिविजुअल समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. सीरम को यहाँ पे पुट किया, इसमें देखा हमने एंटीजन है या नहीं. सपोज लेकर हम चल रहे कि इसमें एक एंटीजन था और वो एंटीजन क्या करता है, ELISA प्लेट पे आकर बाउंड हो जाता है. जैसे ही वो ELISA प्लेट पे आके बाउंड होता है तो मैंने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे एंटीजन डाला. अब इसके बाद मैं उसमें क्या डालती हूँ, मैं डालती हूँ उसमें एंटीबॉडी, ठीक है, बट कैसी है वो, एंजाइम लिंक्ड. क्या है,
एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, ठीक है मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, एक एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी उसके ऊपर डाला गया, तो फिर वो क्या करेगा, उसका रेस्पेक्टिव, क्योंकि एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट वाला ही मैंने एंटीबॉडी लिया है, तो वो उस पर क्या हो जाएगा, आकर बाइंड हो जाएगा, ठीक है फाइन। इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको बाइंड होने से पहले हम इस पूरी प्लेट को वॉश कर देंगे, ताकि जितने भी अनबाउंड एंटीजन है वो वहाँ से रिमूव हो जाए। ध्यान रखना, एंटीजन डाला, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में मैंने क्या किया, उसको वॉश किया, ताकि जो अनबाउंड एंटीजन है, जो क्या है अनबाउंड एंटीजन है, वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। उसके रिमूव होने के बाद अब इसमें क्या डाला, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाला, ठीक है ठीक है, ये एंटीबॉडी और यहाँ पे क्या है, ये एंजाइम लिंक्ड है। इसके बाद अगेन उसको क्या किया, वॉश किया, क्या किया, वॉश किया, उसकी वजह से क्या होगा, जो इसमें एंटीबॉडीज एंजाइम लिंक बाउंड नहीं हुई है वो क्या होगी, वहाँ से एक्स्ट्रा वाली सब हट जाएगी। वॉश करने के बाद अब हम उसमें क्या डालते हैं, उसमें हम ऐड करते हैं सबस्ट्रेट, क्या ऐड किया, सबस्ट्रेट ऐड किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है, ये मेरा सबस्ट्रेट है, ठीक है, जो कौन कौन सा हो सकता है, या तो 5-अमीनो सैलिसिलिक एसिड या फिर ऑर्थोफिनाइलिल डायमीन। यहाँ पे जैसे सबस्ट्रेट ऐड किया, इसके रिस्पेक्टिव एंजाइम से बाउंड होगा और यहाँ पे क्या होगा, एक कलर शो होगा और उससे मुझे पता चल जाएगा कि जो सैंपल था, ब्लड सैंपल, उसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट था। कैसे पता चला, सपोज ये एंटीजन यहाँ पर नहीं होता, एंटीजन नहीं होता तो यहाँ पे इस प्लेट पे भी कोई एंटीजन बाउंड नहीं होता, एंटीजन बाउंड नहीं होता, जब हमने इसमें एंटीबॉडी डाली तो एंटीबॉडी भी बाउंड नहीं हो पाती, ये सब कुछ भी यहाँ नहीं रहता, क्योंकि हम बार बार उसको क्या कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं। ध्यान रखना, वॉशिंग जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार उसको वॉश कर रहे हैं तो ये सब हटता जा रहा है जो अनबाउंड स्टेट में है। ये हटेगा तो यहाँ पे कोई कलर भी नहीं मिलेगा, ठीक है, कलर भी नहीं मिलेगा, अंडरस्टूड। अब इनडायरेक्ट में देखते हैं, इनडायरेक्ट में भी हमने क्या किया, सैंपल डाला जिसमें हम एंटीजन डिटेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें हमने क्या किया, सपोज ये एंटीजन यहाँ पे आकर बाउंड हो गया, एंटीजन जैसे ही बाउंड हुआ मैंने एंटीजन डाला और फिर इसको हमने क्या किया, वॉश करा, अगेन वॉश करने के बाद अब मैंने इसमें क्या डाला, इसके अगेंस्ट वाला एंटीबॉडी डाला, ठीक है, मैंने इसके अगेंस्ट वाला एंटीबॉडी डाला, तो चलो यहाँ पे एक एंटीबॉडी भी बाउंड कर देते हैं जो इसी एंटीजन के स्पेसिफिक है। फिर अगेन हमने उसको क्या किया, वॉश किया, ताकि जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडी है जो बाउंड नहीं हुई वो हट जाए। इसके बाद अब मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, मैं डाल रही हूँ एंटीबॉडी, ध्यान रखना, देखो नाम ध्यान से सुनना, एंटी एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या है, एंटी एंटीबॉडी, यानी इस एंटीबॉडी के स्पेसिफिक हमने एंटीबॉडी डाला, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एक और एंटीबॉडी बाउंड हुआ, बट उसकी स्पेसिफिसिटी एंटीजन के लिए नहीं है, एंटीबॉडी के लिए, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं एंटी एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये कैसा है, ये वाला एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या है, एंजाइम लिंक्ड है, ये ऑलरेडी एंजाइम बाउंड है। अगेन मैंने उसे क्या किया, वॉश किया, जैसे ही वॉश किया एक्स्ट्रा सब हट गया, और उसके बाद लास्टली मैं उसको किससे ट्रीट कराती हूँ, सबस्ट्रेट से, ठीक है, तो इसका रेस्पेक्टिव जो सबस्ट्रेट है उसने ट्रीट कराया और यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, कलर मिल गया, इसने कलर जैसे शो किया तो मुझे पता चल गया कि सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है या पैथोजन प्रेजेंट है, क्लियर, ठीक है। थर्ड हम लेते हैं सैंडविच, सैंडविच में हमने क्या किया, हम डिटेक्ट करें एक तरह से एंटीबॉडी, तो यहाँ पे जैसे ही एलाइजा प्लेट में डाला एक एंटीबॉडी आकर बाइंड होगा, और एंटीबॉडी अपने एफसी रीजन से ही बाइंड होगा यहाँ पर, ठीक है, हो गया बाइंड, एंटीबॉडी बाइंड हुआ, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एंटीबॉडी डाला, सॉरी, फिर हमने उसको क्या कर दिया, वॉश कर दिया, वॉशिंग स्टेप लेंगे ही ताकि अनबाउंड जो है वो सब हट जाए। अब मैंने उसमें क्या डाला, एंटीजन डाला उसका स्पेसिफिक, ठीक है, एंटीजन जैसे ही डाला तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एंटीजन बाउंड हो गया, चलिए ये बाउंड हुआ, फिर उसको वॉश कर दिया और अब उसके इस एंटीजन के स्पेसिफिक एंटीबॉडी डाला अगेन, ठीक है, इस एंटीजन के स्पेसिफिक एंटीबॉडी डाला और वो क्या हुआ, इससे बाउंड हो गया, समझ में आ रहा है, तो ये एक तरह से क्या हुआ, इसको मैं इस तरह से भी शो कर सकती हूँ, देखो ये ऐसे भी हो सकता है, इट्स लाइक दिस, सी ये ऐसे भी बाउंड हो सकता है,
क्लियर। तो ये क्या हो गया, एक सैंडविच टाइप का मॉडल हो गया जिसके दोनों के बीच में एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सैंडविच मॉडल। एंटीबॉडी जैसी बाउंड हुआ, वॉश किया इसको हमने, अब हमने इसके अगेंस्ट डाला एंटी एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और क्या है ये, एंजाइम लिंक्ड है। तो मैंने अब इसके ऊपर डाला ये कॉम्प्लेक्स, तो ये बाइंड हो गया और ये क्या है, एंजाइम लिंक्ड है। एंजाइम लिंक्ड है तो इसमें हम आगे क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने सबस्ट्रेट ऐड किया और अल्टीमेटली इसने कलर दे दिया, अंडरस्टूड। बट अगर हम सीरम में ये एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये बाउंड ही नहीं होगा, ये बाउंड नहीं होगा तो आगे का कुछ भी बाउंड नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली मुझे कलर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर कलर मिल रहा है इट मीन्स इट शो द प्रेजेंस, इफ कलर इज नॉट देयर इट शो द एब्सेंस। सो दिस इज हाउ सैंडविच एलाइजा इज डन टू डिटेक्ट एनी पैथोजन एट अ वेरी अर्ली स्टेज, मतलब बहुत कम अमाउंट में भी हम पैथोजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप दिस एलाइजा इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। If you have any doubt, please put your query in the comment box. So thank you so much guys for watching this video.